डेवलप नहीं कर सका हम लोग का तिपरासा को, हम लोग को सिर्फ एक साल दो हम लोग को ग्रेटर तिपरासा देके हम लोग डेवलप करता है, ऐसा करके डेवलप करता है। डेवलपमेंट के लिए आपको पोस्ट नहीं चाहिए, डेवलपमेंट के लिए आपके अंदर दिल होना चाहिए, प्यार होना चाहिए अपना तिपरासा के लिए। ये लोग इनके मन में सिर्फ पैसा कमाओ, कॉन्ट्रैक्टर से ये करो ये करो वो करो, हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, करना चाहिए। कोई हमको आज फोन करके बोला गुबागरा, अगर बीजेपी बोलता है कि ग्रेटर तिपरासा मत डिमांड करो लेकिन हम लोग आपको 20 सीट दे देगा, तो अलायंस करना चाहिए, करना चाहिए। आप लोग बोलो करना चाहिए। हम लोग का फुल एंड फाइनल गोल है ग्रेटर तिपरासा, जीतेगा तो जीतेगा, हारेगा तो हारेगा, लेकिन हम आपको अच्छा मनु में एक बात बोलने वाला है, पूरा जिंदगी नौकरी करके गुलामी करके नौकर बन के रहने से अच्छा है एक बार संक्राक होकर 2023 में हम लोग तिपरासा लोग फाइट करें। पूरा जिंदगी भीख मांगने से अच्छा है कि एक बार अपना संविधान का जो अधिकार है वो छीन के आप लोग लो, क्योंकि अगर ये टाइम हम लोग एक नहीं हुआ, ये टाइम थानसा नहीं हुआ, तो हम लोग का तिपरासा लोग जो एक टाइम 90% था, 80% हुआ, 70% हुआ, 60% हुआ, आज हम लोग सिर्फ 30% है। अगर हम लोग ने 2026 तक पहले तक डिलिमिटेशन के पहले तक हम लोग ने अपना अधिकार हम लोग को नहीं मिला, तो हम आपको बोल रहे हैं ना रहेगा बुबागरा ना रहेगा तिपरासा, हम लोग खत्म हो जाएगा। आज इसके लिए आप सबको मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं कि एक बार जिंदगी में फाइट करो, एक बार जिंदगी में अपना पावर दिखाओ। और जैसे अनिमेश ने बोला मोदी जी, हम बीजेपी नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं है, वो देश का प्राइम मिनिस्टर है। मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंदर एक अधिकार बनता है, ये अधिकार आप हमको दीजिए। अगर ये लोग बोलता है कि बुबागरा ने बोला ग्रेटर तिपरासा तो देशद्रोही, आज हमको बोलता है देशद्रोही, अरे ये लोगों को इतिहास भी मालूम नहीं, हमारा दादी कंचन प्रभा देवी ने पूरा त्रिपुरा हिंदुस्तान को दिया है, उसका नाती देशद्रोही नहीं, अपना हाथ से प्यार करता है, अपना तिपरासा से प्यार करता है। मैं भी रेडी हूं देश का तिरंगा लेकर जाने के लिए, मैं भी रेडी हूं आज अगर बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट्स आएगा तो कौन हमारा हिंदुस्तान को सुरक्षा देगा, हम लोग का बुकुंबारा लोग सीमा में बॉर्डर में खड़ा होकर अपना तिपरासा के संग रहे। आज ये जमीन को ये हा को हम लोग तिपरासा से ज्यादा प्यार कौन कर सकता है, ये हानी पुसा हम लोग हानी पुसा है। और ये लोग बोल रहा है कि देशद्रोही है, अरे देशद्रोही तो वो लोग है जो जाति धर्म के नाम में दंगा लड़ाता है, देशद्रोही तो वो लोग है जो हिंदू मुसलमान बुद्धिस्ट क्रिश्चियन के बीच में दंगा लड़ाता है। तिपरासा ने कभी भी धर्म का राजनीति नहीं किया है और ना करने देगा। आज भी त्रिपुरा में मां मंगल चंडी का मंदिर देख लो, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर देख लो, आके अगरतला में चर्च देख लो, गेदू मियां का मॉस्क देख लो, मस्जिद देख लो, आज बुद्ध मंदिर को देख लो, किसने बनाया है वो सब महाराजा ने बनाया है, ये परिवार जाति धर्म का राजनीति नहीं करता है। और यहां में जो हमारे बंगाली लोग हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं हम आपके खिलाफ नहीं है,
हम सिर्फ अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मांग रहे हैं। आपको भी लूटा है आपके नेता लोगों ने, आपको भी बांटा है आपके नेता लोगों ने। जब कोरोना हुआ हमने कितने लोगों को हेल्प किया, कभी मैंने नहीं देखा कौन जमातिया था, कौन त्रिपुरा था, कौन चाकमा था, कौन मुसलमान था, कौन बंगाली था, कौन मणिपुरी था, कौन रियांग था, किसी ने नहीं देखा। हमने सबको हेल्प किया। इसके लिए मैं आपको सब लास्ट में बोलना चाहता हूं एक बात, आप लोग रेडी है कि नहीं तो खड़ा हो जाओ। लेकिन वन फाइट, एक बार जिंदगी में फाइट करना जरूरी है। सिर्फ 10 महीना बाकी है, सिर्फ 10 महीना थानसा ओंगी, सिर्फ 10 महीना बाकी है। अगर 10 महीना तिपरासा लोग एक रहा तो पूरा इंडिया देखेगा कि 2023 में इतिहास बना। आप लोग रेडी है? हम लोग को बोलता है तिपरा मोथा चिकन पार्टी, चिकन पार्टी, ठीक है, चिकन पार्टी है। इलेक्शन कर दो विलेज काउंसिल इलेक्शन में, नहीं करेगा। पूरा इंडिया में, यूपी में इलेक्शन हो गया, मणिपुर में हो गया, अगरतला में हो गया, पंजाब में हो गया, मणिपुर में हो गया, लेकिन अपना बुकुंगबारा गांव में इलेक्शन नहीं करेगा। क्यों? कोरोना वायरस नहीं, ये थानसा वायरस है, थानसा वायरस। ये लोग जो हम लोग को चिकन पार्टी बोलता है, हाँ हम लोग चिकन पार्टी है, छोटा पार्टी है, लेकिन आज भी खुला हम बोल सकता है हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जब सीए में कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, प्रेशर आया कि अपना दोहा के लिए बात मत करो, दो मिनट में प्रेसिडेंट था रिजाइन करके कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया हमने। कभी पद के बारे नहीं सोचा। आज भी जो लीडर लोग बोलता था इलीगल इमिग्रेंट्स गो बैक, आज चुप हो गया है। आज यहां से अच्छा मनुष्य बुबाकरा बोल सकता है इलीगल इमिग्रेंट्स गो बैक, आप लोग क्या करेगा? हम लोग बोल सकता भी। आज भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का केस हमारा सुप्रीम कोर्ट में है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में हम लोग सीएए एनआरसी के लिए फाइट कर रहा है। आज भी हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। और ये नेता लोग आपका वोट से आया, किसी ने बोला पिपरा लैंड, हताई कतौर में रोड ब्लॉकेट किया, पिपरा लैंड 4 साल से असेंबली में चुप बैठे। हम लोग 1 साल पहले एडीसी में आया, आज भी हम लोग ग्रेटर पिपरा लैंड बोल रहे हैं, चुप नहीं बैठा है। हम लोग ने कहीं चुप नहीं बैठा है। आज पावर में आने के बाद भी हमने अपना सिद्धांत आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज भी हम लोग ग्रेटर तिपरा लैंड के बारे फाइट कर रहा है। सोचो क्या है ये तिपरा का परिस्थिति। कोई बोलता है ना तिपरा लैंड हो ना, डेवलपमेंट भालो अच्छे, डेवलपमेंट करो। अगर डेवलपमेंट करना है तो यूपी बिहार का करो। हमको बुकुंबारा को अपना हाथ में चीनी हाथ चीनी शासन चाहिए, चीनी हाथ चीनी नाइकोर बांध चाहिए। अनिमेश हम लोग को ग्रेटर तिपरा, चुप, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपका वोट ने उनको नेता बनाया, लेकिन वो अगरतला में बैठकर आपका बात नहीं करता है। दिल्ली से आकर बोलता है मोदी जी ने ये बोला, मोदी जी ने वो बोला, आके माणिक सरकार ने ये बोला, सीताराम येचुरी ने ये बोला, कोई आके बोलता राहुल गांधी ने ये बोला। अरे आपको किसने बनाया है? आपको पिपरासा ने बनाया है। अपना दफा का संग आप गद्दारी कर रहा है, अपना जाति का संग आप गद्दारी कर रहा है, आप झूठ बोल रहे हैं अपना जाति को। आज यहां में प्रत्योत विक्रम माणिक के यहां में लड़ा है, खड़ा है आपका संग रहने के लिए। छानो 2013 में नेशनल पार्टी फाइट किया छानो से, 2018 में फिर से नेशनल पार्टी फाइट किया, करम छोरा से
फिर से बीसी रांकौर पहले कांग्रेस से जीतता था, अब बीजेपी से जीतता है। यहां में सीपीएम जीतता था या फिर बीजेपी जीता है। अम्बासा से परिमल देव वर्मा बीजेपी से जीता है। गुबागरा आप सबको बोलने वाला है, यहाँ देखो 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 देखो, यहाँ में देखो, वहां में मत देखो, यहाँ में देखो। 2023 में छामनु से नेशनल पार्टी फाइट नहीं करेगा, पिपरा मथा फाइट करके आंचलिक पार्टी फाइट करेगा। और यहां से यहां में हमारा दानवांग लोग है, हालम लोग है, रंगलोंग लोग है, चोरई लोग है। हम आपको बोल रहे हैं पानी सागर से भी टिपरा मथा फाइट करेगा। पानी सागर में रेडी हो जाओ, आप लोग सुरमा में रेडी हो जाओ, आप लोग पेछरतल में रेडी हो जाओ, करमछरा में रेडी हो जाओ, अम्बासा में, रैमा वैली में, पूरा 35 का 35 सीट में टिपरा मथा फाइट करेगा। नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज। बहुत हो गया, बहुत हो गया। ये लोग आज इतना बड़ा मंत्री बन गया है, ये लोग आज एमएलए बन गया है। किसका वोट से हमें बना है एमएलए? किसका वोट से? आप लोग ने वोट दिया है, आप लोग ने वोट दिया है। आज ये लीडर लोग, ये नेता लोग आपका वोट से, आपका वोट से नेता बन गया। जिसके पास घर नहीं था, आज अगरतला में तीन तीन बिल्डिंग घर बन गया है। जो साइकिल नहीं चला सकता था, जो स्कूटर में था, आज पांच पांच गाड़ी है अगरतला में इन लोगों के पास। आज आपका बच्चा बांग्ला मीडियम में पढ़ता है, उनका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। ये नेता लोगों का, आपका वोट से इन लोगों को आज सब मिलाई है। और पांच साल से क्या बोल रहे हैं असेंबली में? चुप, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपका वोट ने उनको नेता बनाया, लेकिन वो अगरतला में बैठकर आपका बात नहीं करता है। दिल्ली से आकर बोलता है, मोदी जी ने ये बोला, रुनिल ने दिया अपना, विद्युत ने दिया, जगदीश बाबू ने दिया, सबने एक ही बात बोला, थानसा, थानसा उनकी थानसा रहेगा। थानसा तोड़ने के लिए बहुत लोग अगरतला में षड्यंत्र कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है अपना बुकुंगबारा का, नरबुंग का, हम लोग का थानसा तोड़ने के लिए अगरतला में प्लानिंग हो रहा है कि थानसा तिपरासा का तोड़ो। अगर तिपरासा का थानसा रहा तो ग्रेटर तिपरालैंड मिल सकता है। इसके लिए थानसा तोड़ने का बहुत प्लानिंग हो रहा है। लेकिन इंडिया में इतना रुपया का प्रिंटिंग नहीं हुआ है जो बुबागरा को खरीद सके, तो आपको चिंता का बात नहीं। ये लोग थानसा कैसे तोड़ेगा? रंग देके, पैसा देके, टाका देके, आने दो इन लोगों को छामनु में, ब्रीफ केस लेके आने दो, रुपया रंग ले लो आप लोग। उनका बाप का पैसा नहीं है, हम लोग का हाथ से लेके लिया है लोग ने। उनका रंग लो, अपना पॉकेट में रखो। लेकिन 2023 में जब वोटिंग होगा तो वोटिंग टिपरा मथा को करो। ये इनको लगता है कि हम लोग बुकुंगबारा लोग बेवकूफ है। इनको लगता है कि बुबागरा को राज्यसभा देगा तो बुबागरा खुश हो जाएगा। उनको लगता है कि बुबागरा को थोड़ा सा पोस्ट दे दिया, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, बुबागरा खुश हो जाएगा। बुबागरा को ना पैसा चाहिए, ना पोस्ट चाहिए, ना लाल बत्ती चाहिए, ना मंत्री बनना है, ना एमपी बनना है। बुबागरा को सिर्फ अपना तिपरासा के लिए ग्रेटर तिपरा लैंड चाहिए।